नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों आपके स्मार्टफोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। आखिरकार वो रीजन कौन सा है जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज के युग में अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो स्मार्टफोन हमारे लाइफ लाइन बन चुके हैं, इनके बिना काम नहीं चलता। स्मार्टफोन से ही आप कंप्यूटर के, अपने लैपटॉप के सारे काम खुद ही मोबाइल पे कर सकते हैं, जैसे ईमेल भेजना, एक्सेल फाइल में एडिटिंग करना, वर्ड फाइल में एडिटिंग करना, वो सारे काम आप जो है वो स्मार्टफोन पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आजकल तो व्हाट्सएप को भी एज ए ईमेल की तरह यूज किया जाने लगा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार स्मार्टफोन ब्लास्ट क्यों होते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर एक, ओवरहीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आपका फ़ोन नॉर्मल से ज़्यादा हीट होने लग जाए, आपको महसूस हो जाएगा कि आपका जो फ़ोन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हीट हो रहा है, दोस्तों उस केस में फ़ोन ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और दोस्तों वो क्यों होता है उसका रीज़न भी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब आपके फ़ोन का जो OS है, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओल्डर वर्जन होता है, और जो आपके फ़ोन पर एप्लीकेशन रन कर रही है वो न्यूएस्ट वर्जन की होती है। न्यूएस्ट वर्जन प्लस ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से जो आपके फ़ोन के प्रोसेसर होता है, क्वाडकोर प्रोसेसर होता है, वो लगातार वर्किंग करता रहता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंज्यूम करता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो हीट होने लगता है और ब्लास्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन को जो है वो अपडेट करें, हो सके तो सर्विस सेंटर में ले जाएं। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि दोस्तों डस्ट आने की वजह से जब आपका फ़ोन कई बार मिट्टी में डलता है या फिर कुछ, मतलब आप ज़्यादा केयर ना करते हो तो डस्टिंग की वजह से भी फ़ोन हीट होना लग जाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर दो, बैटरी का फूलना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि स्मार्टफोन की बैटरियाँ फूल जाती हैं और इस वजह से भी जो है फ़ोन ब्लास्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों ऐसा आखिरकार होता क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि आप जब अपने फ़ोन की बैटरी को चार्जिंग पर लगाकर, कई बार क्या होता है कि हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लाते हैं और भूल जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर वीडियोस वगैरह देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करता है और वहाँ पर भी बैटरी ब्लास्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, और मोर पावर कंजप्शन की वजह से आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो फूलने लग जाती है और डे बाय डे आपके फ़ोन की बैटरी का जो बैकअप है वो कम होने लग जाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर तीन, या यूँ कहें गलती नंबर तीन। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर हम कॉलिंग करने लग जाते हैं या फिर वीडियोज़ वगैरह देखने लग जाते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, डिस्प्ले लार्ज होती जा रही है, जो बैटरी होती है उनका MAH भी बढ़ता जा रहा है, उनकी पावर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो बैटरी ड्रेनेज है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि आजकल 4G नेट हो गया, सभी के फ़ोन पे 4G नेट चलता है और 4G नेट में बैटरी ड्रेनेज सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपका फ़ोन आप चार्जिंग पर लाकर देखते हैं तो जो आपके फ़ोन की बैटरी है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाती है और वो वहाँ पर इंटरनेट चलाते हैं या फिर आप कॉलिंग करते हैं तो पावर कंजप्शन ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो फूलने लग जाती है और वहाँ पर चांस बनता है फ़ोन का ब्लास्ट होने का। यदि दोस्तों आपके फ़ोन की बैटरी फूलती भी नहीं है तो ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस प्रैक्टिस को दोहराती हैं तो जो आपके फ़ोन का बैकअप है वो कम होने लगता है, घटने लग जाता है। पॉइंट नंबर चार, दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है तो आप लोग खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं और बैटरी निकाल कर दोबारा से बैटरी डालते हैं और फ़ोन को ऑन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोन पानी में गिर गया, पहली बात तो खुद से इंजीनियर मत बनो। अगर आपका पन्ना ही है तो दोस्तों पहले फ़ोन और बैटरी दोनों को निकाल के अच्छे से धूप में सुखाइए, कम से कम 4 से 5 घंटे आप धूप में सुखाइए, उसके बाद बैटरी इंसर्ट कीजिए, चला के देखिए। यदि आपका फ़ोन नहीं चलता है तो उस फ़ोन को उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि यार फ़ोन कितने का आता है, 7 से 8 हज़ार का, मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार का, ठीक है? तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो यार, आप 7 से 8 हज़ार रुपये के पीछे अपनी लाइफ का रिस्क ले रहे हैं। मैं आपके सामने ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से अपने शरीर के अंग खोए हैं, कईयों ने तो अपनी जानें गंवाई हैं, कईयों ने अपने कानों सुनने की क्षमता को खो दिया है, कईयों ने तो ये फ़ोन जिससे हम
पकड़ते हैं उस हाथ को ही गवा दिया है, तो आप यार अपनी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो यार आप लोग अपनी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो भाई मेरा तो यहाँ पर यही सजेशन है कि जो जो टिप्स मैंने यहाँ पर आपको बताई है, प्लीज आप उनको फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।